विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूवी ने आज कोटद्वार पहुंचकर सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ नगर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष खंडूवी ने चुलार खाल से गड्डी पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल अधिकारियों को समस्याओं से संबंधित निर्देश दिए। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा आपदा में कोटद्वार विधानसभा को जरूरी धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे हम समय रहते कार्य शुरू कर पाए। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं, इस वक्त मैं मालन पुल पे जो हमारा दोबारा से बन रहा है उस पर खड़ी हूँ और जैसे आप कंट्रैक्शंस देख रहे हैं, तैयारी है कि स्लैब को हम उठाएं और धीरे धीरे फिर जो हमारे पिलर्स हैं उनको भी ओपन पैल फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करें, तो काम अब धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है। व्यवस्थाएँ अब पूरी मिल चुकी हैं और तेज़ी से अब हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि काम ठीक से ना किया जाए, सोच समझ के किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए। इसलिए अब मुझे विश्वास है कि दिसंबर तक हमारा जो ये पुल है ये हो जाएगा, इसकी आवाजाही इसकी शुरू हो जाएगी। आज मैं तेली स्रोत और सिगड़ी स्रोत में भी जो हमारी पानी पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके कारण काफ़ी कटाव हुआ था, उस कटाव में हमने प्रयास करके सरकार के माध्यम से कुछ पैसा मंगवाया था ताकि प्रोटेक्शन वॉल हम कर सकें। आज मैंने उस पर भी काम देखा है, ठीक काम हो रहा है, एक दो जगह काम रुका हुआ है, उस पर भी जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। क्या कारण थे वो बताए गए हैं मुझे उन कारण।